अरे मोदी जी, अरे राहुल जी आओ। अरे कैसे आना हुआ? आए? अरे देखो, मैं समझ गया हूँ आप किस लिए आए हो, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मुझको थोड़ा मौका दीजिए, मुझको आज रात का मौका दीजिए। मैं आपको सोच समझ के बता दूंगा मुझे किधर जाना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना आप तुम्हारी किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, मेरे बिना दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मुझको मौका दो। अगर मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किधर भी बैठ जाऊँगा, ठीक है? मुझे परेशान मत करो, अब यहाँ से जाओ। मैं सोच समझ के आप लोगों को जवाब देता हूँ किसकी तरफ मुझे जाना है। अरे नीतीश कुमार जी, तुम तो बुरा मान गए हो। अरे तुम तो हमारे बड़े भाई हो। अरे हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। अरे आप कहो तो हम आपके पैर भी छू लेंगे, आपके पैरों में गिर जाएंगे। अरे हम तो आपके पैरों की धूल भी नहीं है। अरे नीतीश कुमार जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही भले इंसान हो। आप लोगों ने पहले भी हमारा काफ़ी साथ दिया है, इसका हमको भी पता है। देखिए अब थोड़ी सी कमी रह गई है, वो आप लोग पूरा कर दीजिए। आप जो कहोगे हम आपको वो पद दे देंगे, वो मंत्रालय दे देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, ठीक है? पर आपसे निवेदन है, चाहे पैर पकड़वा लो मई बाप, मेरे बाप हमें माफ़ कर दे एक बार, बस फिर पलटी मार जा, हमारे पाले में आ जा, एनडीए में आ जा। अरे पलटू राम आपका नाम रखा हुआ है, आप बात बात पे पलटी मार जाते हो, बस एक बार फिर से पलटी मार दे मेरे बाप, फिर से एनडीए में आ जा मेरे बाप, हमें माफ कर दे, हमसे जो गलती हो गई हम सारी गलती सुधार लेंगे, बस ये मौका दे दे। अरे चाचा नहीं, नहीं चाचा नहीं, बिल्कुल भी। देखो आप लोगों के पलटू राम बोल रहे हैं, अरे आपका भी से इतना बेइज्जती कर रहा है, आप लोगों का अपमान कर रहा है, अभी पलटू राम बोल रहा है, अरे फिर आपका क्या करेगा ये? अरे 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, 10 साल में इन्होंने देश बेच दिया है, अब क्या करेगा? देखो अगर आप इंडिया को मजबूत करना चाहते हो, अपने देश को मजबूत करना चाहते हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इंडिया गठबंधन में आओ। देखिए नीतीश चाचा जी, आप लोग जब इंडिया गठबंधन में आओगे तो देश से तानाशाही ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे, ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अरे नीतीश जी, आपका जो मान सम्मान खोया है इन्हीं की वजह से आप लोगों को पलटू राम का नाम मिला है। आपसे निवेदन है आप इंडिया गठबंधन में आ जाओ, प्लीज आप पैर पकड़वा लो, हम आपके पैरों में पड़ते हैं, आप तो हमारे बुजुर्ग हो, हमारे सम्मानीय हो, पूजनीय हो। अरे आप तो बहुत ही सम्मानित नेता हो नीतीश जी, आप लोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, आप तो हमारे आदर्श हो, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी आप बहुत ही अच्छे और भले नेक इंसान हो, आप इन गलत लोगों की संगत में न जाओ। आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन करते हैं, और 140 करोड़ देश की जनता आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, सबकी निगाह आप पर हैं, आप हमारे इंडिया गठबंधन में आ जाओ और देश की लाज बचा लो, देश को भुखमरी में से बचा लो, देश को महंगाई से बचा लो, हमारे देश की माताओं बहनों की इज्जत बचा लो, उनको बलात्कार होने से बचा लो, क्योंकि अगर हमारी सरकार आती है हम देश से भुखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घपलेबाजी और बलात्कार ये सब बंद कर देंगे। इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग होगा, हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। पर चाचा आप इंडिया गठबंधन में आ जाओ, इसको भगाओ यहाँ से, तानाशाह को, इसको ये तो पनौती है, इसको भगाओ यहाँ से। आपसे निवेदन है आप हमारी पार्टी में आओ, आपको हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप भी देश के लिए कुछ करो, हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, जो इन लोगों ने देश में बेचा है उसको हम फिर से मजबूत करेंगे, फिर से देश को मजबूत करेंगे, जो बेचा है उसको दोबारा से उनसे वापस लेंगे, अपने देश की जो संपत्ति है। अगर आप लोग एनडीए में चले गए तो देश को फिर से बेच देंगे, जो देश में रहा है वो सब कुछ बेच देंगे, फैसला आपके हाथ है चाचा, देश के बारे में सोचो चाचा, देश के बारे में।